ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पूर्व में ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म, सेकेंड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म और इस वीडियो में हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म देखेंगे। मूलतः कहने का उद्देश्य यह है कि उपनिवेशवाद को कह सकते हैं कि हम लोगों ने तीन सब सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 200 साल का शासनकाल जो ब्रिटेन का कह सकते हैं कि भारत पे रहा, वह हमेशा एक पैटर्न, एक फेनोमेनन की तरह नहीं रहा। उसमें बहुत सारे बदलाव, चेंजेस और रिस्पॉन्स होते रहे। तो ठीक उसी को देखते हुए तीन स्टेज में इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। सेकेंड स्टेज का भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, उसे भी आप देखें। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब हम प्रारंभ करते हैं इतिहास को पढ़ना, आधुनिक भारत के इतिहास को, तो यहाँ से कह सकते हैं कोलोनियलिज्म से प्रारंभ करते हैं, या फिर किस प्रकार से यूरोपियन का इन्वेंशंस वगैरह होता है और मेडिवल इंडिया के जितने भी रूलर्स होते हैं वो एग्जिट करते हैं इस थिएटर और कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से। तो जितने भी फिर कोलोनियलिज्म के जितने भी कह सकते हैं इन्वेंशंस वगैरह होते हैं एज अ ट्रेडर्स, और किस प्रकार से वो अपना पैर पसारते हैं पूरे भारत में और 200 सालों तक वो अपना आधिपत्य जमाए रखते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म आज हम लोग देखने जाते हैं और फाइनल स्टेज भी इसे कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस थर्ड स्टेज को यह जाना गया है इरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसे इस पीरियड में या फिर थर्ड स्टेज के शासन काल में कह सकते हैं कि भारत में या फिर अन्य जितने भी औपनिवेशिक थे वहां अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब वहां निवेश अधिक से अधिक बढ़ा। तो निवेश बढ़ने के भी अपने एक कारण थे, वह हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस थर्ड स्टेज को कहा जाता है। और इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज और उपनिवेश को लेकर जो है विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि यूरोपियन पावर्स के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो है आपस में प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन प्रारंभ हो गई, प्रतिस्पर्धा होने लगी 1860 ईस्वी के बाद से। तो इसके प्रमुख तीन पॉइंट हैं कि आखिर पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। तो उसमें पहला है कि स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरे विश्व में जो है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो यूरोप में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, उसके बाद धीरे 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 कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ओवर पूरे विश्व में भी फैलना प्रारंभ कर दिया और फैला भी। तो स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ टू सेवरल कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और जापान, एशिया का एक जापान भी था जिसमें शामिल। आगे है ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड केम टू एन एंड। जो ब्रिटेन की आधिपत्य था इंडस्ट्रियल सुप्रीमेसी में, मतलब तो औद्योगिक क्रांति में, उसकी जो एक कह सकते हैं कि टॉप जो जब था हुआ, लेकिन अब हुआ कह सकते हैं कि उसका अंत हो गया। अब हुआ इसलिए अंत हो गया क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूरोप के अदर कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, खासकर जर्मनी, फिर जापान, इन सब राष्ट्रों ने भी अपने राष्ट्र में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया और कह सकते हैं एज कंपेयर टू ब्रिटेन लेवल के डेवलपमेंट वो हासिल कर लिए। फिर चेंजेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधि या फिर अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ या फिर परिवर्तन आया, ठीक है जी, इस स्टेज में। आगे है दूसरा पॉइंट है कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू इंडस्ट्री। साइंटिफिक नॉलेज का स्वाभाविक सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टीम इंजन का आना, कंबशन का आना, आगे इसमें देखिए हम लोग को पढ़ने का है कि मॉडर्न केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश हुए, यूज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थों का यूज प्रारंभ हो गया एज ए फ्यूल, एंड इंटरनल जो है कंबशन इंजन की भी कह सकते हैं कि इन्वेंशंस हुआ, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कह सकते हैं उत्पादन और यूज होने प्रारंभ हो गया, इंडस्ट्रियल प्रपोजल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मूल जो कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिककरण हुआ नॉलेज का,
और मॉडर्न इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश किए गए, इसमें बहुत सारे इन्वेंशंस वगैरह भी कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रमुख बदलाव जो हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, पूरे वैश्विक बाजार का यूनिफिकेशन हो गया, एकीकरण हो गया, बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। एक देश से दूसरे देश में लिंकेजेस बढ़ने लगे, ट्रेड बढ़ने लगा, इंडस्ट्री इंटरनेशनल जितने भी कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड रूट को एक दूसरे देशों से लिंक हो जाने से पूरी की पूरी जो वैश्विक बाजार थी वह उसका यूनिफिकेशन हो गया, उसका एकीकरण हो गया। तो ये तीन प्रमुख बिंदु जो था वो पूरे वैश्विक स्टेज पे, वैश्विक थिएटर पे बदला, जिससे कि ब्रिटेन के जो अधिपत्य था, ब्रिटेन की जो सुप्रीमेसी थी वो कह सकते हैं कि कमा, और बहुत सारे राष्ट्र ने भी ब्रिटेन के लेवल में जाके प्रगति उन्नति और अपना उत्थान किया। और आगे है कि मेनी इंडस्ट्रियल कंट्रीज कंज्यूम्ड इमेंस क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे जैसे बहुत सारे राष्ट्र धीरे धीरे अपने राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति करने लगी, ठीक उसी प्रकार उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए, उस इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट में, इमेंस क्वांटिटीज में, ह्यूज अमाउंट की रॉ मटेरियल, कच्चा माल की आवश्यकता पड़नी स्वाभाविक है और पड़ा भी। तो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड टू कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। और ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे जो कह सकते हैं शहरीकरण का जो पॉपुलेशन है, जो जनमानस है, या फिर जो शहरों की ओर भागने लगे और शहरीकरण बढ़ता गया, वहां की जनसंख्या में अपार वृद्धि हुई, और जितने भी शहर में बढ़ने लगे तो उन्हें बीच नीडेड मोर एंड मोर फूड, उन्हें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। आगे है इंटेंस स्ट्रगल फॉर न्यू सिक्योर एंड एक्सक्लूसिव मार्केट एंड सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रॉ मटेरियल। अब जो है जैसे ही बहुत सारे राष्ट्र, मैंने अभी बताया यूनाइटेड किंगडम तो पहले से था ही, जापान भी आगे तीव्रगति से बढ़ने लगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बढ़ने लगा, जर्मनी बढ़ने लगा, फ्रांस बढ़ने लगा, पुर्तगीज बढ़ने लगा, स्पेन बढ़ने लगा। तो इन सब राष्ट्रों में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, सभी राष्ट्रों में जब औद्योगिक क्रांति होने लगी, तो रॉ मटेरियल को लेकर आपस में झगड़ा होने लगा, मिनरल्स और खनिज पदार्थ का कहां कहां सोर्स है इसको लेकर प्रतिद्वंद्वता और स्पर्धा होने लगी। ठीक है जी, जिस प्रकार से वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से कहां से हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करें, कहां हम एक ऐसा सुंदर मार्केट देखें जहां हम अपने फिनिश्ड और प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स को बेच सकें, तो इन सब चीजों के आधार पर कह सकते हैं प्रतिद्वंद्वता बढ़ने लगी, और सारे के सारे जितने भी राष्ट्र थे, जितने भी देश थे जो डेवलप्ड कर चुके थे, वो स्ट्रगल करने लगे, जूझने लगे एक सिक्योर मार्केट के लिए और एक सिक्योर रॉ मटेरियल कह सकते हैं कि कॉलोनी के लिए। ठीक है जी, आगे है डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एट होम, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ क्लोनीज प्रोड्यूस अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल इन द कैपिटलिस्ट कंट्री। देखिए डेवलपमेंट जिस राष्ट्रों में कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, वहां स्वाभाविक सी बात है कि उस राष्ट्रों का ट्रेड और इंडस्ट्री तीव्र गति से प्रगति किया, और इसके साथ साथ उन्होंने जो कॉलोनी में उपनिवेशिक कह सकते हैं उपनिवेश जो बनाए थे, उसमें जो वह एक्सप्लॉइटेशन किए थे, रेवेन्यू जो कलेक्ट किए थे, उस आधार पे जितने भी कह सकते हैं कि पैसा वगैरह का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगा, इतनी पूंजी हो गई कि वह पूंजी को वह रख नहीं पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे, और वह सोच रहे थे कि इस पूंजी का कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए, इसे री इन्वेस्ट किया जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ द कैपिटल इन फ्यूअर कॉरपोरेशन एंड मर्जर ऑफ बैंकिंग कैपिटल विद इंडस्ट्रियल कैपिटल। अब इंडस्ट्रियल कैपिटल के साथ बैंकिंग कैपिटल का भी मर्ज हो जाना, फिर कंसंट्रेशन ऑफ द कैपिटल इन फ्यूअर कॉरपोरेशन, कुछ ही कॉरपोरेशन, कुछ ही ट्रस्ट के पास अधिक कह सकते हैं कि मुद्रा की कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो जाना, या फिर कंसंट्रेशन मतलब जमा हो जाना। आउटलेट हैड टू बी फाउंड फॉर दिस कैपिटल। अब इस कैपिटल्स का जब एक्यूमुलेशन हुआ, संग्रह हुआ, और इसका कह सकते हैं कि केंद्रीकरण हुआ, एक जगह जमा हो गया, तो अब स्वाभाविक है कि अब अधिक जब कोई भी चीज में अधिक जब चीजें भर जाती हैं तो उसका निकलना स्वाभाविक है, वहां कहां कैसे निकले और कहां उसे री इन्वेस्ट किया जाए। दिस लीड टू लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ द कैपिटल। अब कैपिटल को एक्सपोर्ट करना शुरू किए, तो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज बिगेन अ सर्च एंड कम्पीट फॉर एरियाज वेयर दे कुड एक्वायर द एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस कैपिटल। अब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो जितने भी कैपिटलिस्ट और पूंजीवाद थे,
वो अब इस सर्च में होने लगे, सर्च करने लगे, ढूंढने लगे कि कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा कॉलोनी मिले हमें जहां हम फ्रीली विदाउट एनी कह सकते हैं कंस्टेंट हम इन्वेस्ट कर सके और अपने जो सरप्लस कैपिटल है उसे री इन्वेस्ट करके फिर से अधिक मुनाफा कमा सके। आगे है सैबनिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म बेस्ड ऑन द ग्लोरिफिकेशन। इस पीरियड में मतलब थर्ड स्टेज में जो है सैबनिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है वो फैला, उग्र राष्ट्रवाद जो है, और कह सकते हैं कि अपने राष्ट्रों का सब महिमा मंडित करने लगे, ग्लोरिफिकेशन करने लगे। तो इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान था और जितने भी राष्ट्र थे वो। तो ब्रिटेन जो है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है, उन्होंने स्लोगन रेज किया कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर थी इतनी बड़ी थी कि वहां सूर्य का अस्त कभी नहीं होता था। कहने का तात्पर्य हुआ कि उसका साम्राज्य पूरे 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 विश्व में फैला हुआ था। अगर एक जगह कहीं सूर्यास्त हो भी जाता तो उस राष्ट्र पे, उस राष्ट्र का साम्राज्य जहां अदर कॉलोनी में फैला हुआ था वहां सूर्योदय हो रहा होता है। तो कह सकते हैं कि मोर और लेस इसमें कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी भी सूर्यास्त हुआ ही नहीं था उस शासन काल में। तो इसलिए उन्होंने कह सकते हैं एक स्लोगन निकाला, द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का सूर्योदय जो है वो हमेशा रहता है, उस कभी भी सूर्यास्त उसका नहीं होता, उसका एम्पायर जो है इतना दीर्घ कह सकते हैं एरिया में फैला हुआ है। टू स्प्रेड प्राइड एंड ए सेंस ऑफ कंटेनमेंट अमंग द वर्कर्स, और इस प्रकार के स्लोगन से वो अपने वर्कर्स, अपने कर्मचारियों में जो है गर्व की अनुभूति और गर्व की भावना को भरते थे, सेंस ऑफ कंटेनमेंट और संतोष की भावना भरते थे, ताकि जो है स्लम हाउसेस द सन सेल्डम सोन इन द रियल लाइफ, क्योंकि वह जो वर्कर्स के साथ कह सकते हैं कि अधिक से अधिक काम ले सके। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उस वर्कर्स के जीवन में, उस वर्कर के स्लम हाउसेस में, उस झोपड़पट्टी में सूर्य का किरण कभी भी शायद रियल जीवन में प्रवेश ना कर सका होगा। तो ये कुछ है कि जो प्राइड और कंटेनमेंट, संतोष की भावना भरकर अधिक से अधिक काम ले, ताकि वह जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो ये राष्ट्र के नाम पर जो है अपनी उद्योग धंधा चलाने के लिए यह व्यस्त थे। तो फ्रेंच, जितने भी फ्रेंच के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, दे आर ऑल्सो ऑन द मिशन ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, मतलब पूरी दुनिया को वह कॉलोनी बना के एक सिविलाइजिंग मिशन पे थे कि सबको एक सिविलाइज्ड कंट्री बनाने के लिए वह कार्य कर रहे थे। तो यह फ्रेंच लोगों का कह सकते हैं कि एक फेमस कोट कह सकते हैं, या फिर फेमस कह सकते हैं कि अपनी राष्ट्रों या फिर अपने वर्कर्स को बढ़ावा देने के लिए या फिर कॉलोनी को और एक्सपेंड करने के लिए इन सब चीज़ों का, इन सब टर्म्स का, इन सब कोट का यूज करते थे। फिर जापान जो है पैन एशियनिज्म, मतलब एशिया के एकमात्र जापान ऐसा कंट्री था जो कि डेवलप्ड कर चुका था, तो पैन एशियनिज्म का बात करता था कि एशिया में कह सकते हैं तमाम एशिया के लोगों को भी इसी तरह विकसित किया जाना चाहिए। क्लेम टू बी अ चैंपियन ऑफ द एशियन पीपल, और एशियन पीपल के वह चैंपियन के तौर पे अपने आप को प्रदर्शित करता था या फिर रखता था। आगे, ड्यूरिंग दिस स्टेज ब्रिटेन्स पोजीशन इन द वर्ल्ड वॉज कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड एंड वीकेंड बाय द राइवल कैपिटलिस्ट कंट्री। इस स्टेज में, इस थर्ड स्टेज में जो है ब्रिटेन का धीरे धीरे जो पोजीशन था, जो पद था, जो गरिमा था, वह धीरे धीरे चैलेंज, मतलब उसको चुनौती मिलने लगा। किसके साथ? जापान के साथ, फ्रेंच के साथ, अदर यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी हो गया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, तो अन्य जितने भी राष्ट्र जो कैपिटलिस्ट तौर पर अपने आप को डेवलप्ड कर चुके थे, उन राष्ट्रों के द्वारा जो है उन्हें अब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। After 1850, a very large amount of British capital was invested in railway loans to the government of India, trade and to later extend in plantation, coal mining, jute mills, shipping and the banking in India. इसके बाद जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो रेलवे में किए गए, लोन दिया गया भारत सरकार को, मतलब भारत सरकार को, मतलब भारत को नहीं दिया, ब्रिटेन के द्वारा भारत में कर रहे जितने भी उद्योगपति थे उन्हें लोन प्रोवाइड किया गया, भारत के उद्योगपति को नहीं, ब्रिटेन के ही कैपिटलिस्ट को, ब्रिटेन के ही इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि भारत में जाके वो ट्रेड कर सके और प्लांटेशंस वगैरह लगा सके, जैसे चाय का बागवान वगैरह हो गया, फिर कोल की माइनिंग कर सके, जूट मिल्स वगैरह इस्टेब्लिश कर सके, और शिपिंग और बैंकिंग की फैसिलिटी अब भारत में और अधिक से अधिक बढ़ावा दे सके, ताकि उनका मुनाफा और उनकी कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल प्रॉफिट जो बिजनेस है वो और अधिक प्रॉफिटेबल बने, वो और अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट कर सके इंडियंस के जितने भी कोल वगैरह है उसे माइन करके और उसे अपने देश ले जाके।
आगे है पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली द थर्ड स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म मीन टू मोर इंटेंसिव कंट्रोल ओवर इंडिया। और राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पे यह जो थर्ड स्टेज था वह पूरे के पूरे भारत को और इंटेंसिव कंट्रोल में ले लिया, मतलब भारत को कह सकते हैं कि पूरी की पूरी तरह से और जकड़ने का काम किया भारत पे, और कह सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और थोप दिया गया प्रशासनिक तौर पे भारत को, और कह सकते हैं कि इतना जो जैसे ICS वगैरह का बहाली करना, IPS या फिर इंस्पेक्टर राज का बुलाना, जिसे कह सकते हैं भारत में और अधिक समय तक और अधिक काल तक वो अपनी शासन व्यवस्था को बरकरार रख सकें, तो वो अपनी जड़ें जो है और गहरी करते चले गए। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इतिहास में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तब देखेंगे कि आखिर कौन कौन से उन्होंने स्टेप उठाए, कौन कौन से मेजर्स लिए, ताकि वो थर्ड स्टेज में आते आते कितना वो ग्रिप बना चुके थे भारत को कंट्रोल करने में। आगे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन शुड रीच आउट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया। जो कॉलोनियल जो उपनिवेशिक जो प्रशासक थे उस वक्त, जो है भारत के तमाम नुक एंड कॉर्नर, हर एक जगह भारत के कोने कोने में औपनिवेशिक प्रशासक जो है वह फैल चुके थे और भारत समूचे भारत पर उनका एक अधिपत्य हो गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ बिकम मोर ब्यूरोक्रेटिक टाइट इफिशियंट एंड एक्सटेंसिव दैन ईयरलियर। और पिछले समय की अपेक्षाकृत इस थर्ड स्टेज में, जैसे कह सकते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह थे, प्रशासन वगैरह थे, वो और जो कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक वगैरह जो ब्यूरोक्रेसी थी वो और टाइट हो गई, मतलब किसी भी जनता को बिना कोई भी दोष होते हुए भी बंद कर दिया जाता था। जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह जो लॉन्च करते थे उन तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स को पनिश किया जाता था, तो इस प्रकार से जो है और कह सकते हैं और तो और आम जनता को एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिनका कह सकते हैं जो कर नहीं दे पाते थे उनकी संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से वह एक्सप्लॉइटेशन के मैकेनिज्म को और बूस्ट करने के लिए प्रशासनिक जो सेवा में जितने भी ऑफिसर्स थे उसे और कह सकते हैं शक्ति दी गई और वो टाइट कर दिए और इफिशियंट हो गए और एक्सटेंसिव हो गए पूरे देश के हर एक राष्ट्रों में, कह सकते हैं हर एक कण कण में, कह सकते हैं पूरे देश में दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर जगह फैल चुके थे। और रेलवे वर बिल्ट एट इवन द फास्टर रेट, और रेलवे वगैरह का निर्माण और अधिक तीव्र गति से किया जा रहा था ताकि वो फिनिश्ड गुड्स को यहाँ एक्सपोर्ट कर सके और रॉ मटेरियल को यहाँ से ले जा सके, मतलब अपने देश में, और फिनिश्ड गुड्स को यहाँ फिर कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। आगे द ट्रेनिंग द इंडियन पीपल फॉर सेल्फ गवर्नमेंट डाइड आउट। सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो ब्रिटिश से थे वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया को जो है एक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, कह सकते हैं उसे, ताकि वह सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में अपने आप को विकसित कर सके, कैसे शासन व्यवस्था चलाया जाता है, डेमोक्रेसी क्या चीज होती है। लेकिन थर्ड स्टेज आते आते यह सब कह सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था ये सब लिप सर्विस था ताकि अपनी शासन व्यवस्था को अधिक समय तक बनाए रखें, अपनी जड़ें जो है अधिक जमाए रखें, इसलिए वह लिप सर्विस किया करते थे, इस प्रकार से बहलाने और फुसलाने का कार्य किया करते थे। तो थर्ड स्टेज आते आते कोई भी ट्रेनिंग ऐसी कह सकते हैं कि नहीं दिया जाता था और ये सब जो लिप सर्विस था यह भी बंद कर दिया गया। और ब्रिटिश का जो एम था, ब्रिटेन का जो एम था, मतलब उनका गोल था, जो लक्ष्य था, ब्रिटिश रूल बार डिक्लेयर टू बी अ परमानेंट ट्रस्टशिप ओवर द इंडियन पीपल, और ब्रिटिश शासन व्यवस्था को एक परमानेंट मतलब स्थायी रूप से ट्रस्टशिप के रूप में घोषित कर दिया गया भारतीय पीपल्स मतलब इंडियन सिटीजन्स या भारतीय लोगों के ऊपर। इंडियन पीपल वर डिक्लेयर टू बी अ परमानेंटली इमैच्योर एंड अ चाइल्ड पीपल नीडिंग ब्रिटिश कंट्रोल एंड ट्रस्टशिप, और भारतीयों को एक परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से इमैच्योर घोषित कर दिया गया कि वह भारतीय लोग इतने परिपक्व नहीं है, अभी बच्चे हैं, वह शासन व्यवस्था सही ढंग से चला नहीं पाएंगे और ब्रिटिश कंट्रोल को कह सकते हैं कि उन्हें हमेशा इसकी जरूरत है, एज ए ट्रस्टशिप ब्रिटिश हमेशा यहाँ बना रहेगा और कह सकते हैं अपनी सरकारें का जो जड़े हैं वो जमाए रखेगा और शासन व्यवस्था इसी तरह चलाते रहेगा। और इसके कारण वह यह देते थे कि ज्योग्राफी, रेस, क्लाइमेट, हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर साइटेड एज फैक्टर्स विच मेड इंडियंस परमानेंटली अनफिट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। वह इसलिए कहते थे कि भारत कह सकते हैं एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, यहाँ की ज्योग्राफी जो स्थिति है, मतलब कह सकते हैं भौगोलिक परिदृश्य है, बहुत ही बड़ी है, कह सकते हैं सुदूर कह सकते हैं हिमालय से लेकर और दक्षिण, वास्ट ओशियंस हैं, फिर बहुत सारे डिफरेंट रेसेस हैं, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है,
क्लाइमेट कह सकते हैं बहुत अधिक है, कहीं गर्मी है तो कहीं ठंड है, कहीं कह सकते हैं क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। भारत का अतीत अपने आप में बहुत विशाल है और कह सकते हैं कि 5000 सालों का इतिहास है। भारत में बहुत सारे विविध धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। फिर यहाँ की सांस्कृतिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत भिन्न है। कह सकते हैं कि भारत में हर एक 4 कोस में कह सकते हैं यहाँ की बोली बदल जाती है। तो इस चीजों को, इस फैक्टर्स को उद्धृत करते हुए, साइटेड इस फैक्टर्स को वो लेते हुए कहते थे कि इंडियंस आर परमानेंटली अनफिट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। भारतीय जो है वह पूरी की पूरी तरीके से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए और स्वयं सरकार को चलाने के लिए एकदम कह सकते हैं कि वह कारगर नहीं है या फिर वह सफल नहीं हो पाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद भारत एक अच्छे राष्ट्र के रूप में, अभी सफल लोकतंत्र कह सकते हैं के रूप में, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के नाते एक कह सकते हैं कि अपनी लोकतंत्र की जो भावना है उसे और मजबूत किया है और बढ़ाया है और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से भारत की लोकतंत्र की जो जब स्थापना हुई थी 1947 में, तब से चल रहा है। और भारत में कह सकते हैं गणराज्य तो आदिकालों से भी वैशाली वगैरह में चल रहा था, रिपब्लिक इंडिया। तो कह सकते हैं ये सब जो चीजें हैं ये उसके मनगढ़ंत और एक मिथ्या की जो भावना थी, जो ब्रिटेन की जो लिप सर्विस थी, ताकि वह भारत पर अपना आधिपत्य हमेशा के लिए जमाए रखे और वह भारत को इंडिपेंडेंट होने ना दे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग रिवॉल्यूशन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और एस्टैब्लिश एज ए डेमोक्रेटिक नेशन, और अच्छी तरीके से हम लोग एक लोकतांत्रिक देशों के रूप में, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि एज अ कंपेयर टू अमेरिका, अमेरिका में अभी देखेंगे ट्रंप और बाइडेन की जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई उसमें कितना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन भारत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पावर में, जब भी लोग एक सत्ता दूसरी सत्ता में ट्रांसफर होती है, एक पार्टी हारती है दूसरी पार्टी जीतती है, उस पर कभी भी इस तरह का उपद्रव नहीं हुआ। पीसफुल ट्रांसफर जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए वह भारत में होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र फल फूल और वृद्धि कर रहा है। तो राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, इस थर्ड स्टेज में नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं कि और तीव्र गति से अपना कह सकते हैं कि पैर पसारने लगा और राष्ट्रीय आंदोलन और कह सकते में तेजी आने लगी। लोग राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए और संघर्ष करने लगे। तो यही थर्ड स्टेज है। इसमें कुछ प्रमुख इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आने वाले पीरियड में हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे कैसे राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे। तो इवन द लिमिटेड चेंजेस प्रोड्यूस्ड एन इंटेलिजेंसिया व्हिच बिगन टू अपोज कॉलोनियलिज्म। जो लिमिटेड चेंजेस आए और जितने भी कह सकते हैं बौद्धिक जो संपदा भारत में जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, वैसे वैसे लोग बढ़ने लगे और वैसे वैसे ब्रिटेन्स को कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को या जितने भी वाइट लोग थे उन्हें समझने लगे कि उनका माइंड में आखिर चल क्या रहा है, और वह धीरे धीरे फिर तमाम जो है गोरे लोगों का विरोध करने लगे और राष्ट्र के आज़ादी के लिए कह सकते हैं आवाज प्रखर रूप से उठाने लगे। फिर एनालाइज द मैकेनिज्म ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस, और वह कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशंस होता था भारत को कह सकते हैं कि किस प्रकार से वह एक्सप्लॉयट कर रहे थे उसे, उसका विश्लेषण करने लगे। जैसे जैसे बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई वैसे वैसे राष्ट्र प्रेम भी बढ़ता गया और अंतोगत्वा 1947 में भारत को आज़ादी मिली एक लंबे संघर्ष के बाद। सो डैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।